फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आज की दुनिया का एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ ये हर इंसान की कमजोरी बन गए हैं। पर आप भी ये बात बखूबी जानते हैं कि सोशल मीडिया का जो एक्सेसिव यूजेज है वो कितना खतरनाक है। आज हमारी लाइफ पूरी तरह से सोशल मीडिया से घिर चुकी है। यूथ के साथ साथ हमारे एल्डर्स भी लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। देखा जाए तो ये किसी माया जाल से कम नहीं है जिसमें आज हर कोई फंस कर रह गया है, फिर चाहे वो छोटे से बच्चे हो या कोई बड़े बुजुर्ग। आज ये सोशल मीडिया हमारी पर्सनल लाइफ के साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है। इसी सोशल मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा है फेसबुक। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो फेसबुक पर साइन इन ना किया हो। मार्क जुकरबर्ग की बनाई फेसबुक जो कनेक्टिंग वर्ल्ड को लेकर चलती है, जहां आपके हजारों दोस्त होते हैं, आपके हर फोटोज, वीडियोस और रील्स को लाइक अनलाइक करते हैं, वो हर इंसान के फोन में घुसकर बैठ गया है। पर कहते हैं कि जहां लोकप्रियता होती है वहां बदनामी भी होती है। न जाने कितने स्कैंडल्स और क्राइसिस से फेसबुक भी गुजरा है। फेसबुक पर फेक अकाउंट्स और फेक चैटिंग से न जाने कितने लोग परेशान हुए हैं, जिसकी वजह से फेसबुक की रेपुटेशन धीरे धीरे डाउन हो गई। तो अब फेसबुक का नाम चेंज करके जुकरबर्ग ने रीब्रांडिंग की उसकी और नाम रखा मेटा। अभी मेटा क्या है तो कंफ्यूज मत होइए आप। चलिए पहले हम समझते हैं कि मेटा है क्या। दोस्तों, मेटा एक एप्लीकेशन है जो फ्यूचर को पूरी तरह से बदलने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। मेटावर्स का शॉर्ट फॉर्म है मेटा। मेटा का इंग्लिश मीनिंग है बियॉन्ड, जिसका कोई अंत ना हो। जुकरबर्ग का कहना है कि अब वो अपनी कंपनी को वर्चुअल दुनिया से जोड़ना चाहते हैं, जहां पर इंसानों के 3D कैरेक्टर होंगे और वो सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे जो रियल लाइफ में आमतौर पर लोग करते हैं। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया। मेटा एक कंपनी है या कहिए एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एक्सेट्रा। CEO जुकरबर्ग का कहना है कि फेसबुक को वो केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाकर नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे भविष्य से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम चेंज करना जरूरी हो गया है। लेकिन दुनिया को ये नाम पसंद नहीं आया। दरअसल आप इसे ह्यूमन नेचर भी कह सकते हैं कि नई चीजों को लोग आसानी से अडॉप्ट नहीं कर पाते। शुरू से फेसबुक कहते आ रहे लोग मेटा शब्द को अपनाना नहीं चाहते और इस नए नाम से लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया है। भारत के लिए फेसबुक खतरा है, क्योंकि अगर इसे ध्यान से समझा जाए तो सभी लोगों की अपनी लाइफ रह ही नहीं गई, वो सिर्फ सोशल मीडिया के गुलाम हो चुके हैं। पॉलिटिकली फॉर्मेशन में भी फेसबुक पर आए दिन विवाद चलते रहते हैं। हाल ही में एक पॉलिटिशियन लीडर ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर आरोप लगाया है कि ये देश के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर हमला कर रहा है। यही नहीं, साइंटिफिक रिसर्च के जरिए पाया गया है कि सोशल मीडिया नेगेटिव यूजर्स को ज्यादा जेलसी, डेप्रिवेशन और मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज को दे रही है। फेसबुक की रिसर्च पर भी पाया गया है कि भारत में सोशल मीडिया का यूज सबसे ज्यादा है, जहां भारत के बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। इसका नेगेटिव इफेक्ट मानसिक तनाव को पैदा कर रहा है। भारत में लगभग हर व्यक्ति दिन में कम से कम सारे सोशल मीडियाज में 70 मिनट फेसबुक पर बिताता है, और अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो अलग है। फेसबुक का सबसे ज्यादा यूज स्टूडेंट्स के जरिए किया जा रहा है, जिससे समय की बर्बादी और हैकिंग, फ्रॉड का खतरा, रिश्तों में दूरियां, मैनर्स की कमी आदि देखने को मिलती है। साइकोलॉजिकली बात की जाए तो एडोलेसेंट एज बनने और बिगड़ने दोनों की होती है, जहां बच्चा आसानी से बहुत कुछ सीख भी सकता है और बुरे प्रभाव में आकर बिगड़ भी सकता है। मेटा भारत के साथ साथ यूरोप में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मेटा का कहना है कि उसे दूसरे देशों के साथ यूरोपियन यूजर्स का डेटा शेयर नहीं करने दिया जाता, तो उसे अपनी सर्विसेज हर जगह देना बंद करना पड़ेगा, जिससे मेटा की सर्विसेज पर प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि इसी डेटाबेस पर कंपनी यूजर्स को एडवर्टाइजमेंट सिखाती है। देखा जाए तो मेटा का पूरा बिजनेस मॉडल इस डेटा पर बेस्ड है। 2020 से पहले प्राइवेसी शील्ड लॉ के तहत यूरोपीय डेटा को अमेरिकी सर्वर के साथ साझा किया जाता था, पर 2020 में बने नए कानून के बाद अब इसे बंद कर दिया है। और मेटा ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को बताया कि अगर डेटा शेयर नहीं हुआ तो उसे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम वहां के यूजर्स के लिए बंद करना पड़ेगा। ऐसे में अगर मेटा की बात करें तो यूरोपियन यूजर्स का डेटा अमेरिकी सर्वर पर स्टोर करने के लिए अब कंपनी स्टैंडर्ड्स कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस का उपयोग कर रही है, और इसके लिए यूरोप में जांच भी चल रही है। मेटा के लिए यूरोप में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें कि यूरोप के लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर डेटा ट्रांसफर की परमिशन नहीं मिलती है तो। ऐसे में कंपनी को इस तरह का सख्त कदम उठाना जरूरी है। अगर मार्केटिंग बेस पर देखा जाए तो कुछ महीनों में फेसबुक कंपनी में 7.5% की गिरावट आई है। यही नहीं, पिछले एक साल के अंदर फेसबुक का इस्तेमाल भी घट रहा है, और 44% यूथ ने ये माना है कि एप्लीकेशन को फोन से भी हटा दिया गया है।
सोशल मीडिया का यूज आमने सामने के रिश्तों को कम कर सकता है। वास्तविकता में कहा जाए तो सोशल मीडिया में भाग लेना असल जिंदगी के रिश्ते को खत्म करने जैसा है, या तो आम तौर पर किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को भी कम कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि फेसबुक का या मेटा का इस्तेमाल करना गलत है, मगर हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करते समय किस तरह का डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हमने बताया कि मेटा का पूरा बिजनेस मॉडल सिर्फ और सिर्फ डेटा पर बेस्ड है, इसलिए आप क्या डेटा किसके साथ शेयर कर रहे हैं, कौन सा डेटा कंपनी के पास जा रहा है, इस पर आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं, उसे बहुत समझदारी से और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। बाकी क्या आप ये फैक्ट्स मेटा के बारे में जानते थे, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगली स्टोरी आप किस ब्रांड के बारे में या किस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, हमें ये भी जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।